जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ, एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रेडिंग में सही स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन सभी लोगों के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लॉसर है, जो बिगिनर है, जो नए नए इस फील्ड में भी आए हैं या लगातार अभी इस फील्ड में आप सफर कर रहे हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ये वीडियो बहुत खास और यूनिक होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाएं तो कहाँ पे लगाएं, क्या स्टॉप लॉस बड़ा लगाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस छोटा लगाना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस लगाने से पहले उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसको कैसे समझना चाहिए, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ पे करना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, ये वीडियो आप ही के लिए है और ये इस चैनल का बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस और साइकोलॉजी, और फिर हम आपको बताएंगे तीन ऐसे यूनिक तरीके जो मेरे बताए तरीकों पर अगर आप स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट उस कंडीशन पर करते हैं तो आपका रिस्क होगा एक गुना और रिवार्ड होगा तीन गुना। तो ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन की बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने की कोशिश की है और इसके बाद हम आपको चार्ट में ले जाकर के पिछले कुछ दिनों का भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉप लॉस संबंधित आपने कितना भी कॉन्टेंट देखा होगा लेकिन ये वीडियो आपके लिए सारे कॉन्टेंट से अच्छा होगा, आपका एक एक मिनट वर्थ इट होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों शुरू से शुरू करेंगे और आपको आज कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले आपको समझाते हैं ट्रेडर स्टॉप लॉस कैसे सोचते हैं, आपको स्टॉप लॉस कैसे सोचना चाहिए और स्टॉप लॉस सोचने का सही तरीका क्या है, क्योंकि 80% लोग जो गलती कर रहे हैं क्या आप वही गलती कर रहे हैं, तो रिपीटेडली आपका बार बार लॉस हो रहा। तो स्क्रीन पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेडर नॉर्मली कैसे सोचते हैं, क्या आप भी ऐसे सोचते हैं। सबसे पहला तरीका जो है यहाँ पे है कैपिटल के हिसाब से, कुछ जो ट्रेडर होते हैं कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस का प्लान कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की 10,000 रुपये कैपिटल है तो उसने 1,000 रुपये का या 500 का या 800 का स्टॉप लॉस उसने प्लान कर लिया कैपिटल के हिसाब से। अगर यहीं पर कैपिटल 1,00,000 रुपये है तो उसने प्लान कर लिया 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये उसने प्लान कर लिया कि स्टॉप लॉस इतना रिस्क हम ले लेंगे। तो एक पहला तरीका है इसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है परसेंटेज के हिसाब से, तो कुछ लोग परसेंटेज के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं। मान लीजिए उनकी कैपिटल 1,00,000 रुपये है तो वो सोचेंगे कि 4% देंगे या 5% देंगे या 6% देंगे, तो इस तरह परसेंटेज के हिसाब से सोच लेते हैं। दूसरा तरीका हो गया स्टॉप लॉस लगाने या सोचने का। तीसरा जो तरीका है बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है, रिसर्च में पाया गया है कि ज़्यादातर लोग खुद ही स्टॉप लॉस सोच लेते हैं, उनको मार्केट मार्केट के साइकोलॉजी या उससे कुछ लेने देना नहीं है। उनके पास अगर 10,000 रुपया है तो उन्होंने सोच लिया कि हम 1,000 2,000 इतना रिस्क लेंगे और वो उतने पे स्टॉप लॉस लगा दिए, ये बगैर सोचे कि स्टॉप लॉस वहां पे सही है, कंडीशनल वैल्यू है, कुछ है कि नहीं, बस खुद से सोच लिया। तो एक ये तरीका हो गया। अब चौथा और पांचवा जो तरीका है कैंडल की विक देख करके, बहुत सारे लोग हैं जो कैंडल की विक देख करके लगाते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई कैंडल है उसमें लंबी सी विक बन गई, उसके बाद मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है तो लोग इस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट नीचे नहीं आएगी, बाइंग प्रेशर है। और पांचवा जो तरीका है हाई लो देख करके लोग स्टॉप लॉस को लगाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज आप बहुत ही ध्यान से सोचिए कि जो ये पांच तरीकों से स्टॉप लॉस लगाया जाता है तो क्या सच में ये सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है? तो आंसर इज नो। रीजन क्या है कि ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीका नहीं है, ये रिस्क बताया गया है कि आपकी कैपिटल इतनी है तो रिस्क इतना ले लो, परसेंटेज के हिसाब से फिर रिस्क इतना ले लो और फिर कैंडल के विक के हिसाब से देख के लगा लो। तो ये सारी चीजें आपको रिस्क को डिफाइन करती हैं। कैपिटल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सही है कि नहीं, मुद्दा ये है। अगर आप मान लीजिए कि बार बार 5,000-5,000 रुपये का लॉस दे रहे हो तो आप ये सोचिए कि रिपीटेडली बार बार लॉस हो रहा है तो ऑल ओवर आप लॉस में रहोगे। तो कम से कम 70-80% लोग यही काम करते हैं, वो रिस्क को तो देख लेते हैं लेकिन सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को नहीं देख पाते हैं। अब सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के पीछे जो सोच है, रिस्क को तो हम अप्लाई करेंगे लेकिन वो सोच क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस की रियल लॉजिक और साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे हमें मेंशन किया है। स्टॉप लॉस मार्केट के उस पॉइंट पर रखना चाहिए जहां से आपको लगता हो, ध्यान दीजिएगा, जहां से आपको लगता हो कि मार्केट इस पॉइंट के अपोजिट नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो एक निश्चित लॉस वहां पे जो ले लेंगे जो पहले से हमने डिफाइन करके या तय किया गया हो। ये रियल साइकोलॉजी और रियल लॉजिक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और आपको लगा कि इस वाले के ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमने एंट्री को डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री को भी ले ली और हमने स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट यहाँ पे इसके लोअर लो पे किया ये सोच करके कि मार्केट इसके अपोजिट नहीं जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमने मेंशन किया। तो रियल साइकोलॉजी क्या है कि अब इसके अपोजिट नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो वहां पे हम पहले से डिफाइन कर लेंगे कि एंट्री डिफाइन कर रहे हैं और निश्चित लॉस ये कितना है,
वो लॉस को डिफाइन करके तब हम एंट्री लेंगे। तो अगर जाएंगे भी तो इतना एक निश्चित लॉस है ये ले लेंगे। तो सही जो इसके पीछे का सोच है स्टॉप लॉस का वो यही है कि आपका प्लेसमेंट उस पॉइंट पे ही होना चाहिए जहां पे आपको लगे कि मार्केट अब इसके अपोजिट नहीं जाएगी। और ये जो पांच चीजें यहां पे मेंशन की हैं ये आपको सिर्फ रिस्क बताती हैं कि इतनी कैपिटल है इतना रिस्क है। सही प्लेसमेंट कब होगा उसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं सही तरीका। तो सही तरीका क्या होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रेजेंट टाइम की मार्केट की जो कंडीशनल वैल्यू है। उम्मीद करता हूं थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब इस वीडियो में डिटेल अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि अब हम आपको समझा जा रहे हैं कि कैसे आप स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करेंगे यानी कि पकड़ेंगे पहचानेंगे। वो तीन तरीके हम यहां पे समझाएंगे। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो सबसे पहला तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे सोचना। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक और इजी तरीका है, इससे आप कंफर्म और सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पॉइंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, एंट्री तो डिफाइन कर लेते हैं लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के लॉजिक को अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बार बार स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है। तो यहां पे हम इस डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि जब भी आपको एंट्री को डिफाइन करो। अब एंट्री कैसे डिफाइन करते हो, सभी लोग करते होंगे कि जैसे कि कोई सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पर एंट्री बन सकती है, रेजिस्टेंस भी बन सकती है, ट्रेंगल पैटर्न पर बन सकती है, ट्रेंड लाइन पर बन सकती है, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई एक सपोर्ट लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर आपने सेल किया कि टकरा के नीचे जा रहा है लॉस सेल कर देते हैं, तो क्या यहां पे इस लॉजिक पे जहां पे काम करने जा रहे हैं वहां पे क्या आपने डिमांड एंड सप्लाई को अप्लाई किया, क्या डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट को चेक किया? अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका यकीनन स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, एंट्री बहुत सटीक होगी और आप प्रॉफिटेबल जोन में चले जाओगे। तो इस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, बहुत सारे डायग्राम है समझाने के लिए, इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे एंट्री को डिफाइन करते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं कि ये डिमांड सप्लाई को कैसे अप्लाई करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से जैसे एक कंडीशन ये देखिए कि मार्केट यहाँ से गई और स्ट्रांगली यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई और जाके रेजिस्टेंस लेवल में टकरा गई। तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई और जाके रेजिस्टेंस लेवल में टकरा गई, जैसे कि यहाँ पे टकरा गई, उसके बाद टकराने के बाद में डाउन साइड में आ रही है, यानी कि सप्लाई है, जैसे ये सप्लाई की कैंडल है, ये सप्लाई कैंडल है। तो लोग गलती क्या करते हैं, टकराने के बाद जब वो लंबी या बड़ी या कोई भी कैंडल बनाता तो लोग यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि डिमांड आई, अब उसके हिसाब से जब ये सेलिंग स्टार्ट हुई सप्लाई तो सेल कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि मान लीजिए जैसे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल किसी ने सेल किया तो वापस जा करके वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि ये अगर फार्मूला अप्लाई करते तो ये गलती नहीं होती। यहां पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया, ये फार्मूला ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे डिमांड क्रिएट हुई उसके बाद जब सप्लाई स्टार्ट हुई तो कितनी सप्लाई आएगी तो ये नहीं पता होता है, या जब कोई डिमांड स्टार्ट होती है तो कितनी आएगी ये भी नहीं पता होता है। तो जब ये पता ही नहीं है सप्लाई कितनी होगी तो आप वहां पे सेल कैसे कर दिए, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहां पे मैं थोड़ा जूम करके आपको एक कंडीशन दिखाता हूं कि कैसे सप्लाई बन सकती थी। मान लीजिए कि यहां पे सप्लाई क्रिएट हुई उसके बाद अज्यूम करके चलिए कि सिर्फ ये एक कैंडल या दो कैंडल बनते, यानी कि जो अपना सप्लाई जोन जहां से स्टार्ट हुआ उसके ऊपर ये बायर जोन नहीं जाता और उसके बाद यहां से मान लीजिए फिर ये रेड कैंडल यहां पे बनना शुरू करती, तो जैसे ही ग्रीन वाले का लोएस्ट पॉइंट को यहां पे ब्रेक करती तो मार्केट में स्ट्रांगली सप्लाई स्टार्ट हो जाती और मार्केट नीचे गिर जाती। तो यहां पे डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक अप्लाई हो गया, क्योंकि मार्केट गई, टकराई, सेलर आए, फिर बायर नहीं आ पाए, अब फिर सेलर आ रहे हैं, तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट हुआ और ये यहां पे हमारा जो है स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद टारगेट इसके लोअर लो को हम प्लान कर लेंगे। अगर यहां पे डिमांड आना जब शुरू हुई तो ये भी तो नहीं पता था कितनी डिमांड आएगी, तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डिमांड आना यहां पे शुरू हुई तो डिमांड आती गई और इसने हायर हाई को तोड़ दिया। तो यहां पे जब डिमांड आना शुरू हुई तो बाय भी नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, कितनी डिमांड आएगी ये भी हमको नहीं पता है। दोस्तों सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि कभी भी डायरेक्ट बाइंग सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। आप देखिए जैसे यहां पे डिमांड इंक्रीज हुई, अगर ये डिमांड इंक्रीज नहीं होती और ये डाउन में चली जाती तो हमारे शॉर्ट कॉल बन जाते, लेकिन डिमांड इंक्रीज होते होते इसने हायर हाई को तोड़ दिया, जैसे कि सबको वहां पे जाके बेच दिया, यानी मैक्सिमम बायर वहां पे ट्रैप हो गए। अब ट्रैपिंग के बाद में अगर हम सही एंट्री डिफाइन करने की बात करें तो यहां पे देखिए सप्लाई है, ये सप्लाई है, उसके बाद देखिए यहां पे डिमांड नहीं आ पाई। तो यहां पे जब डिमांड नहीं आ पाई फिर इसके बाद में यहां पे सप्लाई स्टार्ट हुई तो ये एक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। कभी भी आप सेल जब करते हो तो उसके बीच में ग्रीन कैंडल, मतलब आप ये देख लो कि अगर सेलिंग में आ रही उसके बाद बायर एक बार थोड़े से आ जाए फिर जब सेलर स्टार्ट हो तभी सेल करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलर ही सेलर आ रहे हैं तो कभी भी टर्न होकर बायर आने लगेंगे और आपका उल्टा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कभी भी डायरेक्ट बाइंग और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले को अगर आप अप्लाई करते तो आपकी एंट्री बहुत ही ज्यादा प्रोसेस हो जाएगी, सही हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हुई उसके
उसके अगेंस्ट आप देखिए यहाँ पे छोटी सी डिमांड आने की कोशिश की, लेकिन डिमांड यहाँ पे नहीं आ पाई और जैसे ही जो ग्रीन कैंडल का लोअर लो पे फिर सप्लाई स्टार्ट हुई तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे नीचे चली गई। तो आपको अगर एंट्री को डिफाइन करना है तो डायरेक्ट बाय में या डायरेक्ट सेल में नहीं करना है। मार्केट में सेलिंग आई, फिर अब यहाँ पे देखिए डिमांड नहीं है, यानी कि बायर बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल है, नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाए तब यहाँ पे सेल करिए। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये ग्रीन वाले की कैंडल अगर बिग बड़ी है तो ग्रीन वाले पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है, अगर रेड वाले की कैंडल बड़ी है बिग बड़ी है तो रेड वाले कैंडल पे बिग पे स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। एंट्री आपकी इस ग्रीन वाले को ब्रेक करके ही होगी, ठीक है। एंट्री जैसे ग्रीन ब्रेक होगी इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट की बात है तो आप पिछला जो पुल बैक है उसके लोअर लो के आसपास यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती और डायरेक्ट सेलिंग में ही ये कैंडल बन जाती तो भी यहाँ पे हम सेल नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आ रही है तो कभी भी बाइंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मान लीजिए कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है इस तरीके से तो ये लोअर लो को इस लो को नहीं तोड़ता, फिर ये आता और अपने इस वाले पॉइंट से टर्न ऊपर हो जाता और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कुछ व्यवहार करता, तो उसके हिसाब से अगर होता तो ये जो इसकी लाइन है ये लोअर लो नहीं ब्रेक करता। जब भी कोई पुल बैक का पिछला लोअर लो इस तरह से ब्रेक कर देता है तो भी वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ब्रेकआउट पे नहीं करना चाहिए। अब यहां पे एक बहुत ही शार्प एंट्री डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए कि जब पुल बैक का लोअर लो ब्रेक कर दे उसके बाद देखिए बायर आए, जैसे इस कैंडल में आप देखिए कि बायर आए हैं, नीचे से बायर ने पुश किया है तो जितने बायर आने थे दम लगाने थे लगा लिया, उसके बाद जैसे इस लोअर लो को ब्रेक करेगा यानी कि जहां से डिमांड स्टार्ट हुई उसके अगेंस्ट जैसे सप्लाई आएगी तो यहां पे भी आपको बस वही दो चीजें ध्यान देनी है कि अगर ग्रीन वाले का बिग बड़ा है तो उस पर स्टॉप लॉस लगाना है, अगर उसके बाद रेड वाले का बड़ा है तो उस पर स्टॉप लॉस लगाना है और डिमांड के लोअर लो को ब्रेक करते यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट आपका उसके पिछले लोअर लो के नीचे यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ अगर सेल करते हैं तो टारगेट आपका ये रहेगा, अगर इस वाले पॉइंट पे सेल करते हैं तो टारगेट आपका इसके आसपास रहेगा। तो इस तरीके से, तो कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि जब भी आप मान लीजिए शॉर्ट करते हैं तो कम से कम ये वाला बीच में थोड़े बहुत बायर आ जाएं। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे तो बायर अगर आना शुरू हो गए, ज़्यादा बायर तुरंत आ गए तो आपका लॉस हो जाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट है तो इसमें और भी कंडीशंस यहाँ पे हमने बनाई है, यहाँ पे दो तीन कंडीशंस और भी चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई, उसके बाद देखिए यहाँ पे सप्लाई आना स्टार्ट हुई, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि सप्लाई आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड नहीं आई है, यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी और उसके बाद फिर सप्लाई स्टार्ट हुई, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है कि जैसे यहाँ पे इसके हायर का स्टॉप लॉस हो गया और इस ग्रीन वाली के लोअर ब्रेकआउट पे यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो बस ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब इसके अगेंस्ट आप कम से कम 2 से 2.5 या 3 गुना यहाँ पे टारगेट को प्लान कर सकते हैं या पिछले पुल बैक के लोअर लो पे प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये दो ग्रीन कैंडल नहीं बनती और सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग में जाती तो भले ही ये सेलिंग में काफी डाउन चली जाती लेकिन चलती मार्केट में इस तरह से एंट्री नहीं डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है ना कि सप्लाई आई है, अब डिमांड नहीं आई है तो इसका मतलब अब सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दूसरा डायग्राम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको और क्लियरिटी होगी डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के। जैसे यहाँ पे देखिए सप्लाई आई, ठीक है, अब सप्लाई आती गई आती गई आती गई, अब यहाँ पे कोई लेवल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि सप्लाई आके यहाँ पे रुक हुई और उसके अगेन डिमांड आना शुरू की, अब जब ये डिमांड आना शुरू की तो यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि डिमांड आ रही है कभी भी रुक जाएगी। डिमांड यहाँ तक आई, सप्लाई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो डिमांड तो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जब उसके बाद यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हुई तो यहाँ सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई डायरेक्ट हो रही है, तो ना तो यहाँ बाय करेंगे ना तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट है, अभी भी हमारा जो डिमांड सप्लाई का लॉजिक है अप्लाई नहीं हुआ। अब देखिए ऊपर बाय नहीं कर सकते डायरेक्ट, नीचे सेल नहीं कर सकते, उसके बाद जैसे यहाँ पे फिर बायर आए, फिर डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई और उसके अगेंस्ट देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं आई है, ठीक है। अब अगर ये सप्लाई ज़्यादा आ जाती तो यहाँ पे इस डिमांड के नीचे वाले कट करने पर, नीचे लोअर लो तोड़ने पर शॉर्ट कॉल हमारी एक अच्छी बन जाती, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा नहीं आई, सप्लाई यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पे आकर रुक गई, डिमांड लेवल ये है। उसके बाद में आपको बस ये सोचना है कि अब सप्लाई नहीं आई है तो सप्लाई का जो पॉइंट है उसको जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहां पे डिमांड अचानक इंक्रीज होगी क्योंकि सप्लाई अब बची नहीं है, मार्केट में पहले से डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, अब यहां पे ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड बनेगा। अब यहां पे सही जो स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं तो सही स्टॉप लॉस कब होगा, ट्रेड कब बनेगा, ट्रेड तभी बनेगा जब ये अपने सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करेगा, यानी कि इस कैंडल पे ट्रेड बनेगा।
बनेगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये रेड कैंडल दिख रही है और उसके बगल में ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो ये रेड और ग्रीन के बीच में जिसकी भी टेल बड़ी होगी, जैसे ग्रीन की टेल यहाँ पे है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, सिंपल सी बात है। अगर रेड की कैंडल थोड़ी और बड़ी होती तो रेड पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते, क्योंकि लॉजिक क्लियर है कि डिमांड आ चुकी है, सप्लाई कम हुई है, उसके बाद फिर डिमांड आ रही है, तो अब यहाँ पे 70-80% चांस है कि आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस होता भी है, कभी कभी होगा भी, तो आपका एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड जो पहले से आपने प्लान किया था वही स्टॉप लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग आई, सेलिंग आई, कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर बाइंग आई, अब सेलिंग नहीं आ पाई, फिर बाइंग आने लगी है, तो ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है और छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चौथी कंडीशन और डिमांड सप्लाई पे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कभी भी कोई कॉन्टिन्यूशनल ट्रेंड होता है, जैसे मान लीजिए गिरी रहा है या फिर वो बढ़ी रहा है, या फिर मान लीजिए कि मौका ही नहीं दिया आपको एंट्री लेने के लिए और मार्केट आपके हाथ से निकल गई, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट में यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई, उसके बाद यहाँ पे देखिए सप्लाई आई उसी लेवल के आसपास, और बीच में पॉज लेना जरूरी है, मतलब एक ग्रीन कैंडल, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हो ना, तो बीच में अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाए तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भैया बायर नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं मिली, डिमांड का कुछ क्लियरिटी नहीं मिली, तो इसका मतलब है कभी भी बायर ज्यादा आ सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन इस कैंडल में हो गई कि यहाँ पे देखिए बायर ऊपर जाने की कोशिश की, बायर नहीं आ पाए, तो अब हमें क्या करना है कि जब तक इस लोअर लो को नहीं सेल करे, लोअर लो को नहीं ब्रेक करे, मतलब ग्रीन वाले का, तो लोअर लो ब्रेक करते यहाँ शॉर्ट करेंगे, और इस ग्रीन और इस रेड में देखिए ग्रीन की विक ज्यादा है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने दोगुना या ढाई गुना टारगेट को बुक करेंगे। तो कभी भी जैसे इसमें अपसाइड में मूवमेंट हुआ, बायर आए, उसके बाद देखिए सेलर आए, फिर यहाँ पे देखिए छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये कैंडल ये बताती है कि इसमें बायर जोर लगाए लेकिन आ नहीं पाए। अब जैसे ही बायर नहीं है तो सेलिंग यहाँ एक्टिविटी बढ़ जाएगी और मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चार कंडीशंस को बताया है जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब आगे के दो तरीकों पे बात, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो दूसरा तरीका है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रीटेस्ट के आधार पे सोचना। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक तरीका है, रीटेस्ट के बारे में हमने पहले चर्चा की थी, जब भी आप किसी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंगल पैटर्न पे, इन सब चीजों पे आप एंट्री लेते हैं तो वहां पे रीटेस्ट को चेक किया जाता है। रीटेस्ट को चेक करना अगर आपका आ गया तो आपकी एंट्री भी सही हो जाएगी, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और आपको रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। जब भी मार्केट में कोई मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड होना होता है, उससे पहले मार्केट रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट को मान लीजिए ऊपर जाना है तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर वो चेक करेगी कहीं इसमें सेलर ज्यादा तो नहीं है कि वो मोमेंटम अपसाइड में करे और सेलर मार्केट को नीचे गिरा दे, तो इसलिए सेलर का चेक करेगी नीचे थोड़ा ला करके। अगर सेलर ज्यादा नहीं निकलेंगे तो उसके बाद जब मार्केट में मूव होगा तो एक बहुत बड़ा मूव अपसाइड में होगा। इसी तरह अगर मार्केट को गिरना होगा तो डायरेक्ट नहीं गिरेगी, पहले थोड़ा सा गिरेगी, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा वहां पे चेक करेगी अपसाइड जाकर के कि ज्यादा बायर तो नहीं है, कि सेलिंग साइड का वो इनसाइडर प्लान कर रहे हैं और बायर उसको डोमिनेट करके मार्केट अप ले जाए, तो अगर ज्यादा बायर नहीं निकलते हैं तो चेक करने के बाद मार्केट नीचे फिर गिर जाती है। तो मार्केट में जब दोनों साइड मोमेंटम होता है तो वहां पर रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट के लिए यहाँ पे डायग्राम में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लेवल जब भी, जैसे यहाँ पे देखिए डाउन साइड है, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेते। मान लीजिए ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक रेड बनती है, रेड बनती बनते बनते रेड भले ही गिर जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जाते। रीटेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए अपोजिट जाने की कोशिश की और इसी लेवल पे टकरा गया, तो ये ग्रीन वाले का जब जैसे ही रेड या ग्रीन वाले को ब्रेकआउट करेगा तो इसका मतलब है कि रीटेस्ट हो चुका है। अब बायर यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, अब बायर यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है। और जो शुरू के डायग्राम में हमने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट की प्रेजेंट टाइम की कंडीशनल वैल्यू, आपको याद होगा जब शुरू में वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया होगा, तो कंडीशनल वैल्यू क्या कह रही है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये फेल हो चुका है, क्योंकि इस पे सपोर्ट ले लेकर के फेल हो चुका है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है और उसके बाद इसने यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हुई है, तो जैसे रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट करिए और इसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। जैसे ग्रीन की विक यहाँ पे ज़्यादा है या रेड की विक ज़्यादा है, इस तरीके से अगर कुछ भी होगा तो वहाँ पे हाईएस्ट विक में आपको लगाना है और टारगेट आप यहाँ पे नीचे उसी के लोअर लो या जैसा भी आगे पुलबैक होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रेंगल पैटर्न भी, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि कंप्रेस हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड हुई, फिर उसके हिसाब से सप्लाई हुई, फिर डिमांड हुई, फिर सप्लाई हुई, तो धीरे धीरे जो मार्केट में लोग निकल रहे हैं यानी कि मार्केट न्यूट्रल मोड में जा रही, तो कंडीशनल वैल्यू देखिए तो ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है और मार्केट न्यूट्रल हो गई, यानी कि ये देखिए मार्केट की स्ट्रेंथ एकदम कम हो गई। तो जब मार्केट न्यूट्रल हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडर थे, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 ट्रेडर थे पूरी मार्केट में, अब यहाँ पे 1,000 ट्रेडर बचे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो ये 9,000 लोग जो इसके बीच में खाली हो गए हैं वो भी
कितनी पोजीशन बनाएंगे। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर की अगर अंडरस्टैंडिंग मार्केट में करें तो पहले आपको मार्केट से निकाला जाता है, फिर आपको कंडीशन दी जाती है कि आप फिर पार्टिसिपेट करो। अगर आप पहले ही मार्केट में फंसे रहेंगे तो लोग यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। तो कंडीशनल वैल्यू को ये समझना चाहिए कि अगर मार्केट किसी फेज में कैसे भी न्यूट्रल हो गई है और न्यूट्रल के बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इट इज़ वेरी गुड, और यहाँ पर आपकी हायर जीतने की प्रॉबिलिटी बन जाती है। तो आप यहाँ पर बस ये देखिए कि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों एक और डायग्राम है, इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट की दो सिचुएशन यहाँ पे हम आपको जल्दी से समझा देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक को देखने के बाद बचना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लाइक कर दीजिए, अभी आगे बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कि जैसे एक कंडीशन है, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने पढ़ाया कि डिमांड आई, सप्लाई आई, सपोर्ट लिया, उसके अगेन डिमांड नहीं आई, फिर जैसे ही सप्लाई के ऊपर डिमांड आना हुई, इन्वर्टेड हैमर यहां पे बना और ये ऊपर मार्केट चली गई। लेकिन जो ये दूसरा चीज है ये मेन समझाना है, क्योंकि यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहां पे जो एक कैंडल बीच में रेड बनी इसके बाद में ग्रीन को ब्रेकआउट नहीं किया है। तो इस कंडीशन को समझिए, जैसे हमने शुरू में बोला ना, कंडीशनल वैल्यू और मार्केट में रिस्क रिवार्ड दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए कंडीशनल वैल्यू ये है कि मार्केट टॉप से आई सीधे धड़ाम से, और जो ये सपोर्ट लेवल जहां से मार्केट गई थी इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो पहली बात है कि आप यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपका नुकसान होगा, रिट्रेसमेंट जैसे होगा लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप वेट करेंगे कि हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो तरीके से रिटेस्ट हो सकता है। पहला तो तरीका यह था कि जैसे ये ग्रीन कैंडल ये बनी और उसके बाद में जो ये रेड कैंडल बन रही है ये बहुत बड़ी बन सकती थी, और ग्रीन वाली कैंडल की विक के नीचे यहां पे जाकर के क्लोज हो जाती है, ब्रेकआउट कर देती, क्लोज हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट सीधे यहां पे और भी ज्यादा सप्लाई स्टार्ट होगी और मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो जो ये विक है यानी जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसके बाद में जो ये रेड वाली कैंडल है, ये वाली रेड की कैंडल की हाई है यहां पे विक, या इस वाली रेड की कैंडल की, तो यहां पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर देते। अगर ये ग्रीन वाली की विक थोड़ा हाई होती तो ग्रीन वाले पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर देते और सेल साइड में प्लान कर देते। तो ये तो नॉर्मल रिटेस्ट जैसे अभी हमने बता दिया। अब इसमें देखिए सिचुएशन बदल गई, क्योंकि यहां पे इसका लो ब्रेक ही नहीं किया तो सेलिंग का कोई मौका आया नहीं। ये छोटी सी कैंडल बनी, बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, लेकिन मार्केट की कंडीशनल वैल्यू देखिए बदल गई। अभी जो ये सपोर्ट लेवल था, अब ये जाकर के यहां पे रेजिस्टेंस लेवल बदल गया। तो आप देखिए मार्केट की कंडीशनल वैल्यू के हिसाब से हम अपने आप आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया तो जा करके यहाँ पे रेजिस्टेंस में टकराया, लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो डिमांड यहाँ पे नहीं आई। भाई सप्लाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट देखिए डिमांड बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि अगर फिर ये सप्लाई स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ये सेल से गया, टकरा गया, उसके बाद में जो ये लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि डिमांड यहीं से शुरू हुई थी। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी तो भी एंट्री मिल सकती है। थोड़ा स्मार्ट एंट्री चाहते हैं जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ग्रीन के हायर के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और ग्रीन के नीचे ब्रेकआउट होकर अगर क्लोजिंग दे दिया कोई अच्छा कैंडल बेरिश, तो वो यहीं पे सेल कर देते हैं, फिर इस लेवल ब्रेकआउट का ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि अब लगेगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो इसमें दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो ये आखिरी वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग पे ही शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बस यही टॉप रहेगा। अगर रेड वाले की विक ज्यादा होती तो रेड वाले का स्टॉप लॉस, अगर ग्रीन वाले का विक रहेगा तो ग्रीन वाले का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो आपका इसके नीचे लास्ट वाला पुल बैक होगा वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो जब ये सिंपल यहां पे रिटेस्ट हो तो इस तरीके से समझना है, और जब ये क्रिटिकल रिटेस्ट हो तो इसको इस तरीके से समझना है, और डिमांड सप्लाई को अपने दिमाग में रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्रिटिकल और सिंपल दोनों रिटेस्ट टाइप को समझ में आ गया होगा। और एक तीसरा सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए दो सिचुएशन है, एक ये और एक ये, दोनों सिचुएशन को हम समझते हैं, फिर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पे देखिए जैसे ये एक लेवल है और लेवल के नीचे मार्केट रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार कर रही थी, लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो फिर मैं वही बोलूंगा कि डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाने का। उसके बाद आपको देखना है कि सेलर, तो जो ये बाइंग हुई है बाइंग के हिसाब से सेलर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग यानी कि जहां से सप्लाई स्टार्ट हुई, जैसे ये रेड कैंडल बनी तो रेड कैंडल की सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई के ऊपर अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अच्छे से बुलिश साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो कैंडल है, आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताना हूँ, ये भी रिटेस्ट वाली कैंडल मान सकते हैं और ये कन्फर्म रिटेस्ट वाली कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दो बाय पॉइंट हैं और उसके बाद जो सेलिंग पॉइंट है ये बाय के नीचे नहीं गया, डिमांड के नीचे सप्लाई दोबारा नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हायर हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये कैंडल रेड वाली रिटेस्ट की कैंडल। तो इस तरह से ब्रेकआउट पे करके यहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा जो यहां पे कंडीशन है, जैसे इसमें सिंगल रिटेस्ट है, अब यहां पे देखिए कलर ये ग्रीन है लेकिन ये भी रिटेस्ट है, इसलिए इस कंडीशन को मैंने यहां पे लिया है, क्योंकि इसको ऐसे समझना है। मान लीजिए कि यहां पे सप्लाई आ रही थी और मार्केट इस पे टकराई और उसके बाद यहां पे गई, तो जो ये बॉटम पे जाकर के ग्रीन साइड में क्लोज हुई है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये है रिटेस्ट कैंडल। क्योंकि यहां पे देखिए जो सप्लाई थी मैक्सिमम सप्लाई के बाद अब यहां पे डिमांड आई है, तो सप्लाई इस रेड वाले से स्टार्ट हुई थी, तो रेड ब्रेकआउट होते ही
आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और आपके स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन वाला का जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इस रेड वाला ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री को डिफाइन करना है। तो ये माइक्रो लेवल की है जो बहुत यूनिक जानकारी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तीन चीज़ें हमने बताई हैं कि ये तीन तरीके से आप रीटेस्ट को आइडेंटिफाई करके अपने एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने दो तरीके सीख लिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, रीटेस्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, इसको बोलते हैं पुल बैक के हिसाब से। पुल बैक के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को सोचना। अब पुल बैक के हिसाब से सोचने के लिए जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जैसे कि अप ट्रेंड में होगी या फिर डाउन ट्रेंड में होगी, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो इस तरीके के व्यवहार हम सभी को देखने को मिलता है। तो यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन के सहारे जब ट्रेड को करते हैं तो सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे उसकी क्लैरिटी यहां पे हम देते हैं। तो ये बाय साइड का सबसे पहले समझाते हैं, फिर हम सेल साइड का समझाएंगे। जैसे कि यहां पे ट्रेंड लाइन मान लीजिए कोई है और मार्केट आकर के बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इस तरह से मूवमेंट कर रही है, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए तो यहां पे कैंडल की मैं बारीकी से पहचान आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि ये कैंडल बनी है, अगर ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद में कोई ग्रीन या रेड कैंडल डोजी टाइप में बनती है, डोजी बनती है या छोटा सा इसमें मतलब बॉडी होता है, दोनों तरफ टेल होता है, ये रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इस कैंडल के अपर जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे कोई क्लोजिंग दे देता है तो यहीं पर एंट्री लेना है और इस वाली कैंडल या इसके पहले रेड वाली कैंडल का जो लोअर लो होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना है। तो अपने दिमाग में इस कैंडल को बैठा लीजिए, ऐसी कैंडल जो डोजी जैसी हो जिसमें विक दोनों तरफ हो, बॉडी छोटी हो, कलर कोई भी हो सकता है, अगर ऐसा लाइन पे मिलता है तो उसके अपर साइड में जैसे सपोर्ट में ये ग्रीन वाली क्लोज हुई है तो यहाँ पे अपना एक पोजीशन बना सकते हैं और जो पिछला पुल बैक है इसके हायर हाई पे एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि ट्रेंड लाइन टकराने के बाद में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, यहाँ बाई साइड की बात हो रही है, तो जैसे ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है क्योंकि रेड वाली कैंडल की टेल आकर के, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि रेड वाली की कैंडल की टेल आकर के ट्रेंड लाइन के पास आई और इसके अपोजिट ग्रीन हो गई, तो अगर इस तरीके से ग्रीन हो जाती है तो भी यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते ये रेड वाले के लोअर लो को स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि इसके बाद ये क्लोज हो गई है ना तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है कि अपने पहले पुल बैक को ऊपर साइड में तोड़ देगी। तो जब अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पे ये दो तरीके हमने बताए हैं कि कैंडल या तो डोजी टाइप में बने या तो कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे ग्रीन कलर में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये ग्रीन बनने के बजाय यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रीन हैमर भी बन सकता था इस तरीके से, ठीक है। अगर ग्रीन हैमर भी यहाँ पे बन जाता है तो इस हैमर के लो पॉइंट पे लगा करके फिर भी आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और आपको बस ये देखना है कि जैसे ही वो पिछले हायर हाई को ब्रेक करेगा वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना, क्योंकि उतना ही टारगेट होगा फिर वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कि कोई अगर लंबी कैंडल आकर के टकरा जाती है, उसके बाद छोटी बुलिश कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे देती है तो ये भी एक सिचुएशन है कि इसके ऊपर बाय करो और इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दो। बशर्ते ये है कि रिस्क जितना भी बन रहा हो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से बाय साइड में आप प्लान कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेंड लाइन पे अगर लेंगे, टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट रहेगा, जो भी हमने अभी तक चीज़ें पढ़ाई हैं तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है। 5 मिनट की इस तरह कैंडल में आप एंट्री को डिफाइन करेंगे। कभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं कि वो ट्रेंड लाइन पे नहीं लेंगे, जब वो हायर हाई पे टूटेगा तब वहाँ पे वो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, तो ये सरासर गलत हो जाता है क्योंकि आप जिस पॉइंट पे बाय कर रहे हो वहीं से मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये बाय साइड में आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप डाउन साइड में बात कर लेते हैं तो डाउन साइड में जस्ट इसके अपोजिट आपको देखना है। मान लीजिए जो ये ट्रेंड लाइन पे टच हो रहा है, जब डाउन साइड में मार्केट चलेगी ट्रेंडिंग तो ये 2-3 दिन जब मार्केट गिरती रहती है तो इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कहीं पे ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से मैच कर रही है डाउन साइड में तो आपको वही चीज अपनाना है कि जैसे हमने बताया ना, डोजी टाइप की कैंडल होगी अगर यहाँ पे टकराने के बाद में तो उसके लोअर लो जब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डोजी कैंडल है और इस डोजी कैंडल के बाद में यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेकआउट करता तो इसका हायर हाई लगा सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे सिचुएशन है तो इसमें जब स्ट्रॉन्ग कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो उसके हायर हाई को लगा करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो एक और सिचुएशन है, जैसे डिमांड सप्लाई, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी मिलती तो मत छोड़िए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, यहाँ पे गई टकराई थोड़ा सा नीचे आई, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब ये आ रही है तो इसमें हमें थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ पे मार्केट जाएगी जैसे हमने पढ़ाया, लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग के बीच में जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आपको मिल रही ना, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ट्रेंड लाइन से टकराई और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे डिमांड नहीं आ पाई तो ये ग्रीन को ब्रेकआउट करते ही ग्रीन के हायर हाई पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसके लोअर लो का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ट्रेड करेंगे उसके पुल बैक के ऊपर ही मार्केट जाती है, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
पुल बैक के हिसाब से भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस को कैसे, छोटे से स्टॉप लॉस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब दो मिनट के लिए सिर्फ चलेंगे चार्ट। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने चार्ट को ओपन किया है, सिंपली बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है और जो लॉजिक हमने पढ़ाए हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी देंगे, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे भी समझाएंगे। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो 5-6 मिनट का टाइम और दीजिए ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो सके। तो दोस्तों 1-2 दिन बैक का ले लेते हैं ताकि आपके माइंडसेट में बैठ जाए चीजें जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कैसे लगाएं और उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो जो पहली चीज हमने पढ़ाई थी डिमांड, डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई, सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और इसमें डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग आ रही है तो बाकी वेरिएबल्स देखना, मार्केट की कंडीशनल वैल्यू देखना, अभी हायर हायर पे खुली नीचे आ रही है तो कंडीशनल वैल्यू तो लग रही है मार्केट की नीचे जाएगी, टॉप पे खुली है, वो चीजें हम पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्या हो, सही स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करें। तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाना है। जैसे इसने ग्रीन कैंडल को बनाया, यहां पे मैं जूम कर देता हूं, यहां पे जैसे इसने ग्रीन कैंडल को बनाया तो आपको बस ये देखना है कि यहां पे थोड़ी सी डिमांड आई, अब इसके अगेंस्ट अगर सप्लाई होती है तो ज्यादा होगी क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इस वाले ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे। और मैं जूम करके एक चीज बता दूं कि कैंडल की जो विक, ग्रीन वाली की अगर विक बड़ी होगी या रेड वाली की विक जो बड़ी होगी उस विक के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनती तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कम से कम शुरुआती स्टेज में। जैसे कि वीडियो में बना रहा हूँ बिगनर के लिए, लॉसर के लिए, या अभी आप विनिंग जोन में नहीं जा पाए हैं, जब आप विनर बन जाएंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मार्केट आपके साथ नहीं खेलेगा, आप मार्केट के साथ खेल सकते हो। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको फॉलो करना चाहिए जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोसेस करनी हो। जैसे अगले दिन यहां पे हम देखें तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मार्केट में यहाँ पे देखिए जैसे ये ओपन हुई और एकदम से यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई, अब ये पैनिक सेलिंग में यहाँ पे जो सेलर फंस गए होंगे लास्ट पॉइंट पे तो वो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना दे देंगे जब इसने पिछले रिट्रेसमेंट पिछले साइड में लिया है। तो यहाँ पे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी ठीक बात है, लेकिन इसके बाद देखिए जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, ये रेड कैंडल अगर इस वाले ग्रीन के नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है ब्रेकआउट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेल साइड का प्लान करते हैं और मार्केट नीचे कंटिन्यूअसली हमें अच्छा प्रॉफिट देती है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो इस रेड वाले और इस ग्रीन वाले में ग्रीन का हाई है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनता। तो जब तक बीच में ये पॉज नहीं लेती, अगर डायरेक्ट रेड बनती रहती तो यहाँ पे कॉल नहीं बनती। दूसरा ये है कि यहाँ पे रेड बना लेकिन रेड बहुत छोटा सा बना है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, यानी कि जो सेलर थे यहाँ पे सब कुछ आ चुके हैं, अब यहाँ पे सारे लोग अपना यहाँ पे पूरी तरीके से आ चुके हैं, दोबारा जब मार्केट आई तो यहाँ पे सेलर नहीं है क्योंकि अब मार्केट में जो सेल किए हैं वो अपना लॉस बुक करने लगे तो अपोजिट साइड में मार्केट चलने लगी। तो ये रिटेस्ट वाली कैंडल जैसे हमने पढ़ाया ना, तो इसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं और इसके लोअर लो को यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये बाय यहाँ पे सही नहीं है कंडीशनल वैल्यू के हिसाब से क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बॉटम में है या ट्रेंड हो सकता है इसका डाउन हो, तो बाकी चीजें प्रोसेस करनी चाहिए लॉजिक के हिसाब से। जैसे ये रिटेस्ट का कैंडल लग रहा है लेकिन सेलिंग कॉल यहाँ पे नहीं बनी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन में थोड़ा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे टॉप पॉइंट से मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे चार कैंडल रेड में बनाई है तो इन चार कैंडल में आपको नहीं सेल करना चाहिए। जब ये ग्रीन कैंडल बना लिया है और ग्रीन का रेड ब्रेकआउट करता है तो इस ग्रीन वाले के ऊपर हाई हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ, अगर इस रेड वाले की टेल मान लीजिए बड़ी है तो इस पे स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन इस तरीके से पॉज ले लेगी तब वहां पे आप सेलिंग जोन में बैठो। तो मार्केट में आप चेक करते रहो कि आपका जो हायर हाई नहीं टूट रहा और आपको टारगेट मिल जाएगा। जो ये बीच बीच ग्रीन कैंडल बन रही है, ये ग्रीन कैंडल तो ग्रीन है लेकिन ये सेलिंग में ही है क्योंकि सेलर ज्यादा है उसके अगेंस्ट बायर नहीं है, फिर सेलर ज्यादा है उसके अगेंस्ट बायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पोज वाला कैंडल नहीं बनता तो नहीं सेल करना, क्योंकि डायरेक्ट जब आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस फिर हायर हाई पे बनेगा तो वो स्टॉप लॉस 3 गुना बड़ा होगा, एक बार हिट होगा तो आपका टारगेट छोटे, स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। जैसे कि करंट डे की बात करें जल्दी से, फ्राइडे को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए रिटेस्ट हुआ है अच्छा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस निकलेगा कि जैसे हायर हाई ब्रेक हुआ तो वहाँ पे आपने ट्रेड लिया, डिमांड आई उसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं आई, अब अगर ये सप्लाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी, जो लॉजिक हमने इस वीडियो में पढ़ाया उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी और जो आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब 2 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपने इस वीडियो में स्टॉप लॉस लगाने के 3 सही तरीके सीखे हैं। पहला तरीका यह है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, दूसरा तरीका है रिटेस्ट के आधार पे, तीसरा तरीका है पुल बैक के आधार पे। तो जो पहला तरीका है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, ये माइंड मेकअप रखना है, जब भी आप किसी एंट्री को डिफाइन करेंगे तो आप देख
देख लेंगे कि डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई, सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड है, तभी आप एंट्री को डिफाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट बाइंग में अगर जाएंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा और मार्केट कहीं भी घूम जाएगी। दूसरा पॉइंट जो हमने बताया रिटेस्ट के आधार पर, तो जब भी कोई दो लेवल में रेंज बाउंड मार्केट होगी, कभी ट्रेंगल पैटर्न होगा, कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में जब रिटेस्ट वाली कैंडल बनेगी तो वहाँ पर आप अपने ट्रेंड को प्लान करेंगे और वहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा होगा। तीसरी चीज जो हमने बताई कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो आप पुल बैक के आधार पर अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अगर मार्केट बुलिश आपको दिख रही है तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ना बाई साइड में ट्रेंड लाइन पे आएगी तो उसके हिसाब से करना है, अगर मार्केट बेरिश दिख रही है तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से सेल साइड प्लान करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन एक मुद्दा और भी है कि बहुत ऐसी सिचुएशन भी मार्केट में होती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन मार्केट की आपको समझ में नहीं आती, जहाँ पे एंट्री की कोई क्लियरिटी नहीं है, वहाँ पे एंट्री लो ही मत। इस वीडियो में मैंने कम से कम 8-10 तरीके बताए हैं, 4 तरीके बताए हैं डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, 3-4 तरीके बताए हैं रिटेस्ट के आधार पर, और फिर पुलबैक के आधार पे हमने 2-3 तरीके बताए हैं। तो इतने तरीके जिस तरीके से वीडियो में बताए हैं, अगर इतने तरीके पे ही अगर आप फोकस करेंगे तो आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनके प्रॉफिटेबल जोन में आएंगे। तो इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, मेरी इस अच्छी जानकारी को अच्छे लोगों तक पहुँचाओ, कम से कम एक शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।